डियर स्टूडेंट्स, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग स्टूडेंट्स, इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम के अंदर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है डर्मेटाइटिस, एंड इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट एंड वेरी कॉमन प्रॉब्लम. इन्फ्लामेशन ऑफ द डर्मीज लेयर, राइट, मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ द स्किन. इन सिंपल लैंग्वेज, इन्फ्लामेशन ऑफ द स्किन. It may be include epidermis plus dermis also. Dermatitis जो है बहुत ही important topic है और इसको अपन introduction से start करेंगे. लेकिन समझने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि dermatitis जो है एक तरह से आपको सीधा सा इतना ही ध्यान रखना है कि inflammation है किसका है, skin का है. Derma is related to the skin, cutaneous tissue, right? अब ये जो इन्फ्लामेशन है ये किसी के भी अगेंस्ट हो सकता है. ये इन्फेक्शन के अगेंस्ट हो सकता है, ये एलर्जी के अगेंस्ट हो सकता है, राइट. ये कुछ फैक्टर्स ऐसे रहते हैं जैसे इरिटेशन होना, मैक्यूल पेप्यूल बनना, या कोई अदर डिजीज कंडीशन के इन्फेक्शन से होना, राइट, सेकेंडरी इन्फेक्शन इसमें लगना. तो ये सब चीज़ें क्या डर्मेटाइटिस क्रिएट कर सकती है. डर्मेटाइटिस के अंदर भी लीजन्स बन सकते हैं और कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, एटोपिक डर्मेटाइटिस, ये सारा डिस्कशन इसके अंदर करेंगे. इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझने के लिए और याद रखने के जो पॉइंट्स हैं अपने, वो है इंट्रोडक्शन, टाइप्स, सिम्टम्स, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन और मैनेजमेंट. तो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. फर्स्ट लेते हैं डिफिनेशन ऑफ डर्मेटाइटिस, हाउ वी कैन डिफाइन इट, राइट. हालांकि इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते नहीं है, पर आपके अंडरस्टैंडिंग पर्पस से हम थोड़ा सा इसको डिस्कस करेंगे कैसे डर्मेटाइटिस को डिफाइन किया जाए. तो फर्स्ट है, डर्मेटाइटिस इज अ जनरल टर्म फॉर स्किन इन्फ्लामेशन. डर्मेटाइटिस क्या है? इन्फ्लामेशन ऑफ स्किन है, एक जनरल टर्म है. विथ डर्मेटाइटिस स्किन विल बी टॉपिकली लुक ड्राई, स्वेलन, रेड एंड डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ डर्मेटाइटिस. यूजुअली यदि हम डर्मेटाइटिस वाले पेशेंट को देखें तो उनकी स्किन ड्राई, स्वेलन, सूजन वाली या रेड अपेरेंस उसमें आ सकता है. लेकिन ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का डर्मेटाइटिस है, राइट. उसके अकॉर्डिंग उसके साइन एंड सिम्टम्स रहते हैं. और डर्मेटाइटिस जो है वो नॉन कॉन्टेजियस होती है, राइट. आगे बढ़ते हैं. डर्मेटाइटिस कैन बी कम्फर्टेबल फॉर सम, मीन्स कभी कभी पेशेंट्स को डर्मेटाइटिस होता है लेकिन उसे कम्फर्टेबल रहता है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. मीन्स पेन, इचिंग, इरिटेशन जैसे सिम्टम्स नहीं आने लगते हैं, नहीं आते हैं. लेकिन हाउ इची योर स्किन फील्स कैन रेंज फ्रॉम माइल्ड टू सीवियर, ये डिपेंड करता है कि आपकी स्किन कितनी इचिंग को टॉलरेट कर सकती है, राइट. कुछ की स्किन जो रहती है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहती है, तो उनको माइनर इचिंग भी महसूस होते ही तुरंत उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम का आभास होता है. तो यहाँ पर ये डिपेंड करता है कि आप माइल्ड टू सीवियर तक कितनी इचिंग को टॉलरेट कर सकते हैं. नेक्स्ट है, सर्टेन टाइप्स ऑफ द डर्मेटाइटिस कैन लास्ट लॉन्ग टाइम, अदर मे बी फ्लेयर अप डिपेंडिंग ऑन द सीजन वेयर यू एक्सपोज्ड टू स्ट्रेस. इनके जो टाइप्स हैं वो डिपेंड करते हैं कि किस तरह के कारणों से ये डर्मेटाइटिस हुआ है. कारणों पे डिपेंड करता है कि डर्मेटाइटिस किस टाइप का है और आप कौन से एनवायरनमेंट में रहते हैं, किस तरह के रिस्क फैक्टर्स में रहते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का डर्मेटाइटिस हो सकता है. तो ये सारा डिस्कशन था डर्मेटाइटिस का. इसमें हमने क्या क्या पॉइंट पढ़ा? फर्स्ट पॉइंट हमको ये लिखना है कि डर्मेटाइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द स्किन. सेकंड पॉइंट हमको ये लिखना है कि डर्मेटाइटिस यूजुअली जो सिम्टम्स इसके रहते हैं, यूजुअली इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय लुक ड्राई, स्वेलन, रेड और डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द डर्मेटाइटिस. नेक्स्ट पॉइंट ये लिखना है कि सम पीपल्स के अंदर डर्मेटाइटिस कम्फर्टेबल हो सकती है लेकिन ये डिपेंड करता है कि माइनर टू सीवियर रेंज में जब इचिंग होगी, कम, उससे ज़्यादा इचिंग, उससे ज़्यादा इचिंग, तो आप किस टाइप की इचिंग को टॉलरेट कर सकते हैं. सर्टेन टाइप ऑफ डर्मेटाइटिस
कैन लास्ट लॉन्ग टाइम, कुछ डर्मेटाइटिस ऐसी रहती है जो कि लंबे समय तक रहती है। तो ये सारे पॉइंट्स आपके इंट्रोडक्शन के अंदर आप इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सिम्टम्स ऑफ द डर्मेटाइटिस, रेंजेज फ्रॉम माइल्ड टू द सीवियर। डर्मेटाइटिस के जो सिम्टम्स रहते हैं वो माइल्ड टू सीवियर की तरह, माइल्ड भी होते हैं, मॉडरेट भी होते हैं और सीवियर भी होते हैं, राइट। इट विल लुक डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन द पार्ट ऑफ योर बॉडी, बॉडी के किस पार्ट में डर्मेटाइटिस हुआ है उस पर भी डिपेंड करता है कि सिम्टम्स कैसे हैं। नॉट ऑल पीपल विथ डर्मेटाइटिस एक्सपीरियंस ऑल सिम्टम्स, हर इंसान को हर तरह का सिम्टम्स जरूरी नहीं है। किसी को रैशेज हैं तो किसी को ब्लिस्टर होगा, उससे रैशेज नहीं होगा। किसी को ब्लिस्टर नहीं होगा, रैशेज होगा, ड्राई स्किन होगी, राइट। तो जरूरी नहीं है कि सारे सिम्टम्स डर्मेटाइटिस में आपको देखने को मिले, उसमें से कुछ सिम्टम्स मिस हो सकते हैं। मिस इसलिए हो सकते हैं क्योंकि उस पर्सन को उनसे रिलेटेड टॉलरेंस जो है वो कैपेसिटी अच्छी है, इम्यूनिटी अच्छी है। अब यहाँ पर इन जनरल सिम्टम्स ऑफ द डर्मेटाइटिस, यदि डर्मेटाइटिस के जनरल सिम्टम्स की बात करें तो यूजुअली पेशेंट को रैशेज होते हैं, ब्लिस्टर अधिकतर पेशेंट्स में देखे गए हैं और ड्राई क्रैकल्ड स्किन होती है इसके अंदर, ड्राई स्किन होती है और क्रैकल्ड फटी हुई क्रैकड स्किन इसके अंदर होती है। सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो इसके अंदर सिम्टम्स है, रैशेस, ब्लिस्टर, ड्राई क्रैकड स्किन, इची स्किन, पेनफुल स्किन हो सकती है कुछ पेशेंट्स में, स्टिंगिंग या बर्निंग सेंसेशन भी उसे आ सकते हैं, रेडनेस देखने को मिल सकती है और स्वेलिंग भी देखने को मिल सकती है। तो ये सब जो है वो जनरल सिम्टम्स थे डर्मेटाइटिस की। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ द डर्मेटाइटिस, डर्मेटाइटिस के कितने टाइप्स होते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर डर्मेटाइटिस का क्या नेचर है, उसके क्या सिम्टम्स है, क्या इटियोलॉजी है, किस जगह पे होती है, कितना लंबा रहती है, कितना लंबा नहीं, कैसे फैलती है, सब फैक्टर्स पे डिपेंडेड ये है टाइप्स। तो पहला हम बात करते हैं टॉपिक एटॉपिक डर्मेटाइटिस। एटॉपिक डर्मेटाइटिस जिसको हम एक्जिमा के नाम से जानते हैं और हिंदी के अंदर धाधर के नाम से जानते हैं, राइट, खाज खुजली के नाम से, और आप बीटेक्स लगाते हो तो यहाँ पर एटॉपिक डर्मेटाइटिस जिसे हम एक्जिमा के नाम से जानते हैं, दिस स्किन कंडीशन इज यूजुअली इनहेरिटेटेड एंड डेवलप्स ड्यूरिंग इन्फेंसी। इस तरह की जो कंडीशन है वो यूजुअली जो है वो इनहेरिटेटेड होती है, मीन्स कि जन्मजात ये पाई जा सकती है और इन्फेंसी के दौरान ये डेवलप होती है। एक्जिमा यूजुअली इन्फेंसी के दौरान होता है, इनहेरिटेटेड होता है, आनुवंशिक कारणों से भी ये जनरेशन टू जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है यूजुअली, और इसे हम एक्जिमा के नाम से जानते हैं, राइट। इसके अंदर रफ पेचेस बन जाते हैं, ड्राई स्किन होती है, इची स्किन होती है। क्या क्या ध्यान रखना है, एक तो ये इनहेरिटेड हो सकती है यूजुअली ये इन्फेंसी के अंदर होती है, इसके अंदर रफ पेचेस बनते हैं और ड्राई होती है और इची स्किन इसके अंदर हो सकती है। ये सारे पॉइंट्स आपको एटॉपिक डर्मेटाइटिस में याद रखने हैं। डियर स्टूडेंट, सेकेंड अपना है कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, राइट, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस जिसको अपन डिटेल में देखेंगे। कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हैपन्स व्हेन सब्सटेंसेस टचेज योर स्किन, जब कोई हार्मफुल टच इरिटेटिव सब्सटेंसेज आपके स्किन पर लग जाते हैं, जैसे कि चूना लग जाना, राइट। चूना मींस जो आप गेम के लिए जो लाइनिंग करते हो उस चूने से किसी को इरिटेशन होता है, ग्लविंग, हम जब ग्लव्स पहनते हैं ग्लव के पाउडर से भी हमें ग्लव के पाउडर से किस कुछ कुछ पर्सन्स को लेटेक्स या ग्लव्स के पाउडर से इरिटेशन होता है, कुछ लोगों को सैनिटाइजर से हैंड रब करते समय सैनिटाइजर से इरिटेशन होता है, तो उस तरह के इरिटेटिव सब्सटेंसेस का स्किन पर आना कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस बना सकता है, जो कि एक तरह से एलर्जिक रिएक्शन कॉज करता है और इरिटेशन कॉज करता है। दिस रिएक्शन कैन डेवलप्स फर्दर इनटू द रैशेस दैट बर्न, स्टिंग्स, इच और ब्लिड, इसके अंदर खुजली या ब्लिस्टर इसके अंदर बन सकते हैं, या बर्न, स्टिंग्स या जलन उसके अंदर पैदा हो सकती है। इस तरह के सिम्टम्स यदि दिखें तो वो कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, क्योंकि आपके कॉन्टैक्ट में केमिकल आए हैं, राइट, ओके। आगे बढ़ेंगे, दिस
डिसहिड्रोटिक डर्मेटाइटिस, डिसहाइड्रोटिक हिड्रोटिक डर्मेटाइटिस। इसके अंदर क्या होता है कि स्किन जो है वो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाती है। यूजुअली हमारी जो डेली लाइफ स्टाइल है, डेली लाइफ स्टाइल के अंदर हम बहुत सारे ऐसे केमिकल्स, ऐसे इरिटेटिव सरफेसेस पे टच करते हैं, केमिकल सब्सटेंस को टच करते हैं और बायोलॉजिकल इरिटेंट्स को भी टच करते हैं, लेकिन हमारे हाथों में डर्मेटाइटिस के कोई सिम्टम आते नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि हमारी स्किन के अंदर कुछ न कुछ इम्यून पावर है जो कि उन चीज़ों को सप्रेस करने में या फेल करने में सक्षम हो जाता है। लेकिन यदि स्किन जो है वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने में असमर्थ रहे, कुछ पर्सन्स के स्किन जो है वो हाइपर सेंसिटिव होती है, वो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाती है, वो कोल्ड को टॉलरेट नहीं कर सकते, वो हॉट को वार्म को टॉलरेट नहीं कर सकते हैं, या फिर वो केमिकल्स उनके लिए एलर्जिक रहते हैं, उसको वो टॉलरेट, तो स्किन का जो टॉलरेंस कैपेसिटी है, प्रोटेक्शन, सेल्फ प्रोटेक्शन कैपेसिटी जो है वो उसकी नहीं होती है या कम होती है, उस कारण से उसे जो डर्मेटाइटिस होती है उसे हम डिसहिड्रोटिक डर्मेटाइटिस कहते हैं। इसके अंदर इची स्किन, ड्राई स्किन और ऑफन अकम्पनीड बाय द स्मॉल ब्लिस्टर इसके अंदर बनते हैं। इची स्किन, ड्राई स्किन और स्मॉल ब्लिस्टर इसके अंदर बनते हैं और यूजुअली ये फिट और हैंड के अंदर होती है। कई लोगों को हाथ में और पैर में फ्रिक्वेंटली बार बार इचिंग आना, ड्राइनेस हो जाना, ब्लिस्टर बनना, ये आपने देखा होगा। क्यों देखा है? क्योंकि उन लोगों के जो स्किन है, हो सकता है उस स्किन का क्या है, स्किन प्रोटेक्शन की जो कैपेसिटी है, सेल्फ प्रोटेक्शन की जो कैपेसिटी है, सेल्फ इम्यूनिटी जो उसकी रहती है वो वहाँ पे पुअर है या नहीं है। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने तीन तरह के डर्मेटाइटिस देखे। पहला हमने देखा एटोपिक डर्मेटाइटिस, राइट, दूसरा हम देख रहे हैं कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, और तीसरा हमने देखा है डिसहिड्रोटिक डर्मेटाइटिस। अब फोर्थ वन है अपना सिबेरोटिक डर्मेटाइटिस, सिबोरिक डर्मेटाइटिस। सिबोरिक डर्मेटाइटिस क्या है? तो यहाँ पर क्या है कि सिबोरिक डर्मेटाइटिस में क्या होता है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द क्रेडल कैप इन द बेबी। बेबी के अंदर क्रेडल कैप नाम के स्ट्रक्चर बन जाते हैं जिस कारण से इसको अपन सिबोरिक डर्मेटाइटिस कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, स्काल्प के ऊपर और फेस के ऊपर, चेस्ट के ऊपर ब्लिस्टर टाइप कैप बनती है, और इसके अंदर क्या होता है, स्काली पेचेस, स्केली पेचेस बन जाते हैं। जैसा कि सोरियासिस के अंदर पपड़ियाँ बनती हैं, वैसे स्केली पेचेस बन सकते हैं और लीजन्स बनते हैं, रेड स्किन होती है, राइट, और अक्सर ये यूजुअली बेबी के अंदर होता है, राइट, यूजुअली ये किस में होता है, बेबी में होता है, क्रेडल कैप इन बेबी। ये आप इमेज डाल के देखना, आपको इमेज नेट पर मिल जाएगी। और ये फेस पर, चेस्ट पर ज़्यादा होता है, जिसके अंदर स्केली पैचेस बनते हैं, रेड पैचेस बनते हैं, और डेंड्रफ जो है वो इसका एक तरह से एग्जांपल है। डेंड्रफ वाले बेबी के अंदर भी आपको क्रेडल कैप्स देखने को मिलेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, इस टाइप के डर्मेटाइटिस जो हैं वो बेबी के अंदर होते हैं, जिसको अपन सिबोरिक डर्मेटाइटिस कहते हैं। कौन सा डर्मेटाइटिस कहते हैं? सिबोरिक डर्मेटाइटिस कहते हैं। नेक्स्ट लेते हैं आगे, न्यूरोडर्मेटाइटिस। दिस टाइप्स इन्वॉल्व्स एन इची पेचेस ऑफ स्किन। इस तरह का जो टाइप है उसके अंदर इची मतलब कि खुजली करने वाले पेचेस इसमें बनते हैं, ट्रिगर्ड बाय द स्ट्रेस और समथिंग इरिटेटिव इन द स्किन। यहाँ पर स्किन के अंदर जो नर्व एंडिंग्स जो हैं, स्किन के अंदर जो नर्व एंडिंग्स है उनका किसी कारणवश डैमेज होना या इरिटेशन होना, और उस कारण से यहाँ पर आपको इची की कंप्लेन, खुजली की कंप्लेन यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो यदि इरिटेटिव स्किन पर यदि कोई स्ट्रेस आ जाए, राइट, तो वहाँ पर ये आपको या पर्सन जो भी है उसको इचिंग के सिम्टम्स इसमें आ जाते हैं, तो वो इसका एक तरह से ट्रिगर्ड पॉइंट है, इसलिए यहाँ पे लिखा है ट्रिगर्ड बाय द स्ट्रेस। स्ट्रेस के कारण से ये शुरू हो जाती है इचिंग, और इस तरह के डर्मेटाइटिस को अपन न्यूरोडर्मेटाइटिस कहते हैं। नेक्स्ट है
न्यूमूरल डर्मेटाइटिस। इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि ओरल सोर जो है, स्किन ओरल सोर ऑन द स्किन ऑफन अकरिंग आफ्टर अ स्किन इंजरी, स्किन इंजरी होने के कारण से, सॉरी स्किन स्किन इंजरी होने के कारण से ओवल शेप के सोर बन जाना न्यूमरल डर्मेटाइटिस कहलाता है। नेक्स्ट है स्टेसिस डर्मेटाइटिस। दिस टाइप इन्वॉल्व्स स्किन चेंजेस ड्यू टू पुअर ब्लड सर्कुलेशन, यानी कि इस तरह के जो डर्मेटाइटिस हैं वो पुअर ब्लड सर्कुलेशन होने के कारण से होते हैं। आगे बढ़ेंगे, डर्मेटाइटिस नेग्लेक्टा। डर्मेटाइटिस नेग्लेक्टा रेफर्स टू स्किन कंडीशंस दैट रिजल्ट्स नॉट प्रैक्टिसिंग गुड हाइजीन हैबिट। गुड हाइजीन हैबिट नहीं है, अच्छे से हाथ धोने की आदत नहीं है, अच्छे से हाथ पैर फेस वॉश करने की हैबिट नहीं है, तो इस तरह के होने वाले जो स्किन इरिटेशन के जो डर्मेटाइटिस हैं उसको अपन डर्मेटाइटिस नेगलेक्टा, क्योंकि आप हाथ धोने को नेगलेक्ट कर रहे हो, फेस को नेगलेक्ट, फेस वॉश को नेगलेक्ट करते हो रात को सोते टाइम, तो ये सब क्या हो गया, डर्मेटाइटिस नेगलेक्टा हो गया। सो डियर स्टूडेंट्स, आपको मैं बस यहाँ पे ये एडवाइस करना चाहूँगा कि हमने अभी तक जो टाइप्स देखे हैं, टाइप्स के अंदर आपको नाम लिखने हैं, जो इस तरह के चार टाइप्स जो मैंने डिस्क्रिप्शन के साथ दिए हैं, डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ, वो डिस्क्रिप्शन के साथ यदि आप लिख लेते हैं राइट, तो आपके टाइप्स से रिलेटेड यदि क्वेश्चन आता है तो मार्क्स पूरे मिलेंगे। दूसरा, ये चीज़ें मैंने इसलिए इंक्लूड की हैं क्योंकि ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं राइट, तो कॉम्पिटिटिव की प्रैक्टिस भी अपने यहाँ साथ में चल रही है, तो यहाँ पे ये यूनिवर्सिटी एग्जाम रिलेटेड ये टाइप्स हो गए, चार पांच तरह के टाइप्स हैं। यदि ज़्यादा डीप में टाइप्स देखने हैं तो ये एब्रीवेशन है, ये टाइप नहीं कहूँगा मैं इनको, एब्रीवेशन, जो जो कॉजेस से हो रहा है, जो जो फैक्टर्स के कारण से हो रहा है उसके अकॉर्डिंग इनके नाम रखे गए हैं, तो एज ए मेडिकल, एज ए नर्सिंग स्टूडेंट्स आपको ये ध्यान होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, डायग्नोसिंग डर्मेटाइटिस। योर डॉक्टर विल परफॉर्म अ फिजिकल एंड डिस्कस योर मेडिकल हिस्ट्री बिफोर मेकिंग अ डायग्नोसिस। इन सम केसेस अ डर्मेटोलॉजिस्ट कैन डायग्नोस अ टाइप ऑफ डर्मेटाइटिस जस्ट बाई लुकिंग एट द स्किन। द हेल्थ लाइन फाइंड केल टू कैन प्रोवाइड ऑप्शन इन योर एरिया इफ यू डोंट ऑलरेडी हैव डर्मेटोलॉजिस्ट। यहाँ ये मतलब है कि डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है और मेडिकल हिस्ट्री ली जाती है। फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर एलर्जिक रिएक्शन और स्किन पैचेस, इस तरह के एग्जामिनेशन के द्वारा हमें पता चलता है राइट। होम लेवल पर क्या क्या ट्रीटमेंट करना है, तो पहला है मेडिकेशन टू रिड्यूस द एलर्जी, फर्स्ट पॉइंट अपना है मेडिकेशन टू रिड्यूस द एलर्जी राइट। सेकेंड पॉइंट अपना रहता है, फर्स्ट पॉइंट अपना रहता है मेडिकेशन टू रिड्यूस द एलर्जी, एलर्जी को कम करने की मेडिसिन देनी है, इचिंग को कम करने की मेडिसिन देनी है, एग्जाम्पल एंटी हिस्टामिन सच एज द डाइफेनहाइड्रामिन, डाइफेनहाइड्रामिन जिसको बेनेड्रिल के नाम से भी आता है राइट। सेकेंड है फोटोथेरेपी भी दी जा सकती है, एक्सपोजिंग अफेक्टेड एरिया ऑफ कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ लाइट, कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ लाइट से फोटोथेरेपी दी जा सकती है जिससे इरिटेशन कम होता है। नेक्स्ट है टॉपिकल क्रीम विद द स्टेरॉइड्स लाइक हाइड्रोकोर्टिसोन, इसके अंदर हाइड्रोकोर्टिसोन जैसे कि बीटा मेथाजोन ठीक है, मोमेटासोन सोन राइट, इस मोमेटासोन, इस तरह की जो मेडिसिन है वो यहाँ पे दी जाती है, जो कि क्या है, इम्यून को सप्रेस करने वाली मेडिसिन हैं। तो ये सारे हमने टाइप्स देखे। कॉजेस की बात करें तो इटियोलॉजी की बात करें हम, तो इटियोलॉजी तो यहाँ पर मोस्टली इन्फेक्शन और इरिटेशन के कारण से होते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली जो जो सबसे ज़्यादा होते हैं वो एक्जिमा, न्यूरोडर्मेटाइटिस, न्यूमूरल डर्मेटाइटिस, और उनका अपन
कॉजेस के अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो फर्स्ट अपन ये लेते हैं जैसे कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस है, वो डिटर्जेंट से, कॉस्मेटिक से, निकल से या पॉइजन्स आईवाई या ओवैक से होते हैं। ये केमिकल से पॉइजन है, ये इनसे इनके कॉन्टैक्ट स्किन में कॉन्टैक्ट आने से कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस होती है। एक्जिमा जिसको अपन कहते हैं, एक्जिमा इज कॉज्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द फैक्टर्स ड्राई स्किन, एनवायरमेंटल सीटिंग, बैक्टीरिया ऑन द स्किन। इट इज़ ऑफन जेनेटिकली। एक्जिमा एक तरह से कॉम्प्लिकेटेड मीन्स कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर आपको इन्फेक्शन भी यदि प्रेजेंट होगा तो पता नहीं चलेगा, राइट? तो एलर्जी प्लस इन्फेक्शन दोनों की मौजूदगी इसमें हो सकती है, और जिनको एलर्जी है, अस्थमा है, उनको एक्जिमा के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। एक्जिमा की हिस्ट्री एलर्जिक वाले पर्सनों में ये ज़्यादा होता है। सीबोरिक डर्मेटाइटिस इज लाइकली कॉज्ड बाय, सीबोरिक डर्मेटाइटिस इज लाइकली कॉज्ड बाय द फंगस इन द ऑयल ग्लैंड। इट टेंड्स टू गेट वर्सन इन द स्पायरिंग एंड विंटर, राइट? इसका मतलब ये है कि सीबोरिक डर्मेटाइटिस जो है वो फंगस और ऑयल ग्लैंड से होती है। इट टेंड्स टू गेट अ वर्सन इन स्पायरिंग, राइट? तो ये सारी चीज़ें अपन ने देख ली हैं, पिछली स्लाइड में देख लिया मैंने, जो आपको समझाया था वही काफ़ी था। बस आपको इसके अंदर ये ध्यान रखना है कि ये फंगस से और ऑयल ग्लैंड से कॉज होता है, वर्सन इन स्प्रिंग एंड विंटर, इन तरह के सीजन्स के अंदर ये बढ़ जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है ट्रिगर्स। ट्रिगर्स का मतलब ये होता है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी डर्मेटाइटिस को क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं या उसको एक्टिवेट करते हैं, उससे रिलेटेड सिम्टम्स को बढ़ा देते हैं। तो स्ट्रेस है, हार्मोनल चेंजेस हैं, ये हमारे बॉडी के अंदर सडनली स्किन और की इचिंग इरिटेशन को बढ़ा देते हैं, तो इन पॉइंट्स को अपन ट्रिगर्स कहते हैं। जैसे कि स्ट्रेस हो गया, हार्मोनल चेंजेस हो गया, एनवायरमेंटल हो गया, इरिटेशन सब्सटेंसेस हो गए, राइट? आगे है रिस्क फैक्टर्स। एज, ओल्ड एज के अंदर ये ज़्यादा होता है, इन्फेंसी के अंदर कॉन्टैक्ट वाला ज़्यादा होता है, जैसा कि अपन ने उसमें पढ़ा था। एनवायरमेंट, ऐसे एनवायरमेंट जहाँ पे सीमेंट या मार्बल के पाउडर, सीमेंट पाउडर या फिर जो फार्म हाउस है, राइट, खेती बाड़ी जो है, एग्रीकल्चर लैंड है, तो वहाँ पे जो डस्ट पार्टिकल्स रहते हैं उनसे रिलेटेड स्किन एलर्जी, या कोई फैक्ट्री हो गया, ठीक है, बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रीज रहती हैं, जैसे कि फ्यूल का हो गया और कोयले की खदानें हो गई, तो हो सकता है पर्टिकुलर पर्सन को पर्टिकुलर केमिकल से इरिटेशन है, जैसे कि मेडिकल फील्ड में ग्लव से एलर्जी हो जाना, राइट? या फिर अपन कहते हैं स्टरलाइज जो अपना ये सैनिटाइजर है उससे एलर्जी होना, तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड यहाँ पे इंडिविजुअल्स को उसका क्या होता है, रिस्क फैक्टर्स रहती है कि उसके उस केमिकल के बार बार कॉन्टैक्ट में आने से, रूटीनली कॉन्टैक्ट आने से डर्मेटाइटिस हो जाए। फैमिली हिस्ट्री, ये जेनेटिकल होता है, जैसे कॉन्टैक्ट वगैरह जो जेनेटिकल होते हैं, तो हो सकता है ये जेनेटिक फैक्टर से भी आ सकता है। नेक्स्ट है हेल्थ कंडीशंस, यदि इम्यून रिस्पॉन्स अपना पुअर है तो एलर्जी जल्दी होगी, हाइपर सेंसिटिविटी है तो भी एलर्जी होगी, राइट? अस्थमा जैसी कंडीशंस में भी कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस और इस तरह के ज़्यादा होते हैं, एलर्जिक डर्मेटाइटिस जिसको हम बोलते हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो ये रिस्क फैक्टर्स हो गए। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एलर्जिक रिएक्शन और स्किन पैचेस को हमको देखना है। अब बात करते हैं हम ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट के अंदर क्या होता है कि डर्मेटाइटिस के ट्रीटमेंट जो हैं वो बहुत सारी यहाँ पे वैरायटी रहती है, लेकिन फिर भी उसके टाइप पर डिपेंड करती है, लेकिन हम उससे रिलेटेड जो भी साइंग एंड सिम्टम्स हैं उसको सप्रेस करने के लिए ट्रीटमेंट करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ट्रीटमेंट के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि कुछ यहाँ पे रीडिंग में कर लेता हूँ, बाकी जो ट्रीटमेंट रिलेटेड क्लास है उसको अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो की साइज़ बड़ी हो जाने पर आपके उस पर अपलोड नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर ट्रीटमेंट, एटोपिक डर्मेटाइटिस कैन बी प्रेजेंट, यू मे नीड टू वेरियस ट्रीटमेंट ओवर माउथ और ईयर्स टू कंट्रोल इट, एंड इवन इफ ट्रीटमेंट इज सक्सेसफुल साइंग एंड सिम्टम्स मे रिटर्न। यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे ट्रीटमेंट जो हैं
इसमें यह है कि आपको ट्रीटमेंट करने के लिए बहुत सारे मंथ या इयर्स यहाँ पे लग सकते हैं, लेकिन जब ट्रीटमेंट सक्सेसफुल होता है तो ये सिम्टम्स को रिटर्न्स कर देता है, राइट? ये इसका मीनिंग है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिकॉग्नाइज द कंडीशन अर्ली सो यू कैन स्टार्ट द ट्रीटमेंट। आप जितना जल्दी कंडीशंस को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं उतना जल्दी आप ट्रीटमेंट को स्टार्ट कर सकते हैं, COVID-19 की तरह। नेक्स्ट है, इफ़ रेगुलर मॉइस्चराइजिंग अदर सेल्फ स्टेप्स डोंट हेल्प, योर डॉक्टर मे सजेस्ट वन और मोर फॉलोइंग ट्रीटमेंट। यहाँ पर यह है कि रेगुलर मॉइस्चराइजिंग यदि आप कर रहे हैं, ठीक है, अदर सेल्फ स्टेप्स डोंट हेल्प, आप रेगुलर मॉइस्चराइजिंग कर रहे हैं तो वो इनफ है। यहाँ पे बस इतना ही समझने का है, आगे बढ़ते हैं। मेडिकेशंस, अब यहाँ पर ये थोड़ा मैं डिस्कशन इसको डिटेल में बताना चाहता हूँ, राइट? क्योंकि डर्मेटाइटिस बहुत ही कॉमन टॉपिक है और अक्सर पेशेंट्स प्रैक्टिकली क्लिनिकली आपके सराउंडिंग एनवायरनमेंट में भी एक दो पेशेंट्स ऐसे आपको मिल सकते हैं जिनको डर्मेटाइटिस है, तो ट्रीटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए अपन इसको नेक्स्ट क्लास में डिटेल से समझेंगे। सारी स्लाइड्स आपके लिए रेडी हैं, लेकिन वीडियो की क्लासेस अपन यहाँ पे विथहोल्ड करेंगे। ऑल द बेस्ट। अभी तक हमने डिस्कशन किया इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, सिम्टम्स, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशंस और उसके टाइप्स। आई होप कि आपको क्लास अच्छे से समझ में आई। आप इसके पर्सनल नोट्स बनाइए ताकि ये रिटर्न मटेरियल आपके पास रहे। ऑल द बेस्ट।